गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हिंदी की मात्राओं के बारे में। ये होती है आ की मात्रा और ऐसे हम लिखते हैं छोटी ई की मात्रा और ऐसे लिखते हैं बड़ी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड में आती है, बड़े ओ की मात्रा जो है वो राइट साइड में जाती है। री की मात्रा हमारी कुछ इस तरीके से रहती है। इसके बाद आती है हमारी ए की मात्रा जो कि हमारी ऐसे होती है। फिर आती है ऐ की मात्रा जो ऐसे लगाते हैं हम। फिर होती है ओ की मात्रा जो हम ऐसे लगाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारी औ की मात्रा जो हम ऐसे लगाते हैं। फिर हमारी अंग की मात्रा आती है जो कि इस प्रकार लगाते हैं। फिर हमारी आह की मात्रा आती है जो हम ऐसे यूज करते हैं। आइए अब हम इन मात्राओं को किसी शब्द में लगाकर समझते हैं। जैसे कोई शब्द है, मान लिया हमने का, इसे हम क्या पढ़ते हैं का, लेकिन जब हम इसमें आ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है का, उसमें आ की आवाज भी आती है। इसी के जैसे छोटी ई की मात्रा हमारे शब्द से पहले आती है, जैसे हमने लगाया ये का, अब जब हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या होता है कि, क्या होता है कि, और जब बड़ी की मात्रा जो है वो हमारे शब्द के बाद लगती है। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि, क्या पढ़ते हैं कि, थोड़ा खींच के। इसी तरीके से हमारी छोटी ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो राइट साइड लेफ्ट साइड में जाती है और क्या पढ़ते हैं हम कु। फिर हमारे बड़ी ऊ की मात्रा इसमें हम पढ़ते हैं कु। फिर हमारी री की मात्रा जब लगती है तो हम इसको पढ़ते हैं कृ, क्या पढ़ते हैं कृ। फिर हमारी जब ए की मात्रा लगती है तो हम इसको पढ़ते हैं के, क्या पढ़ते हैं के। और जब आए की मात्रा लगती है तो हम इसको पढ़ते हैं कई, क्या पढ़ते हैं कई। फिर जब हम इसमें ओ की मात्रा लगाते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं को, क्या पढ़ते हैं को। और जब औ की मात्रा लगती है तो, जब हम औ की मात्रा लगाते हैं तो पढ़ते हैं कऊ। और जब अंग की मात्रा लगता है तो हम पढ़ते हैं कंग, क्या पढ़ते हैं कंग। और जब अह की मात्रा लगती है तो हम पढ़ते हैं कह। आइए एक बार पढ़ के देखते हैं। जैसे नॉर्मल का होगा तो उसे बोलते हैं का, उसके बाद का, की,
की, कु, कू, कृ, के, कई, को, कऊ, कं, कह।